सवारी को ज्यादा चोट लगी है प्लस ड्राइवर को भी लगा। रिक्शा कितनी स्पीड से था कुछ अंदाजा? काफी स्पीड से था। वो पूरा का पूरा जो आगे का हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त आपको नजर आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। इस वक्त मैं दिल्ली के C5D जनकपुरी इलाके में मौजूद हूं और थोड़ी देर पहले यहां पर एक एक्सीडेंट की जो सूचना है वो हमारे पास आई। दरअसल एक वैगनार कार और एक ई रिक्शा की जोरदार टक्कर हो गई जिसकी वजह से कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। अब पूरा मामला क्या था कुछ लोगों से जुड़कर जानने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने ये मामला उस वक्त देखा था उन्हीं के साथ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या देखा था आपने यहाँ पर, कैसे एक्सीडेंट हुआ था? रिक्शा वाले उधर से सवारी लेकर के आ रहा था, उधर से जैसे इधर से टर्न किया है ना तो उधर से सामने से गाड़ी आ रहा था फोर व्हीलर और सामने सामने दोनों का टक्कर हो गया है। अच्छा, गलती किसकी थी? गलती तो फोर व्हीलर वाले का था। यहाँ रॉन्ग साइड पे नहीं था वो, अपने साइड से भी आ रहा था लेकिन यहाँ से जो टर्न है ना ये टर्न रिक्शा वाले घुमाया है तो इधर से कोई गाड़ी गुजरा है ना तो वो थोड़ा सा उधर से गया है और सामने से तेज गाड़ी आ रहा था वो सामने सामने टक्कर हो गया। कितने लोग थे रिक्शा पर? रिक्शा पर एक सवारी था और एक ड्राइवर था बस। तो ज्यादा चोट लगी है? सवारी को ज्यादा चोट लगी है प्लस ड्राइवर को भी लगा है। अच्छा, कौन सा अस्पताल लेकर गए? दीनदयाल हॉस्पिटल। और जो गाड़ी में बैठे थे वो कितने लोग थे कुछ देखा है? गाड़ी में सिर्फ हम ड्राइवर को, वो बुजुर्ग आदमी है। अच्छा। क्योंकि वो चला भी, अपना शरीर उसको काम नहीं कर रहा है और वो कैसे ड्राइव करके लाया है ये हमें तो पता नहीं। इतना अकेले बैठे थे वो? अकेले हम देखे हैं, बुजुर्ग आदमी है। चोट उन्हें भी लगी है? हाँ, हल्का लगा था उनको भी। गाड़ी और ये रिक्शा यही है जो खड़े हुए हैं? हाँ, यहीं पर है, वो वैगनार है और वो रिक्शा है। पुलिस को कॉल किया गया था? फिर पुलिस को भी बुलाया गया था यहाँ पर तो आया है, उन्होंने सारा कुछ यहाँ पर किया है और लेकर के चला गया है उसको। तो पहले पेशेंट को तो सबसे पहले हॉस्पिटल ले गया। सबसे ज्यादा चोट रिक्शे में बैठे लोगों को ही लगी? में बैठे लोगों को हुआ है। दो ही लोग थे बस रिक्शे में, एक ड्राइवर और एक सवारी? ड्राइवर और एक सवारी, लेडीज सवारी थी और वो खुद ड्राइवर थे। तो दोनों का इलाज चल रहा है अभी अस्पताल? दोनों का अभी इलाज चल रहा है। उसको शायद जिस लेडीज को लगा है उसको शायद प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया है। ये कितने बजे की घटना है? ये लगभग 12 बजे के बाद का ही घटना है। यही इसी जगह पे हुआ? हाँ, इसी जगह पे, ये सामने ये देख ही रहे हैं आप, यहीं पर। एम्बुलेंस भी आई थी? एम्बुलेंस नहीं आया हुआ था उस, हाँ वो रिक्शे पर बहुत आदमी थे यहाँ, सबसे पहले उन लोगों को रिक्शे पर बैठाया है और हॉस्पिटल ले गया। गाड़ी कौन सी जो आप बता रहे थे? वो वैगनार है, वो सामने लगा हुआ है, देखिए ना हालत क्या है, उस गाड़ी का भी हालत देख लीजिए कि क्या है। और वो सामने रिक्शा रहा। ये लोकेशन क्या पड़ती है? ये C5 है जनकपुरी। आपने भी देखा था? हाँ जी देखा था। जो लेडीज है उन्हें ज्यादा चोट लगी है? हाँ लगी है। क्या देखा था? तो C4 सवारी यही कोने पे रिक्शे में बैठी थी, वो C4 मार्केट जा रही थी। रिक्शा वाला जैसे ही मोड़ा तो गाड़ी उधर से तेज आया था दोनों को। कितनी स्पीड होगी गाड़ी की कुछ अंदाज़ा लगा पाए? मैडम ये तो स्पीड तो देखा नहीं, बाकी चोट बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। हाँ जी सवारी रिक्शे में था, जो सवारी जो पीछे सिंगल बैठी थी वो मैडम को तो ज़्यादा लगी है और रिक्शे आगे जो था उसको भी लगी मुँह पे, मगर इससे ज़्यादा लेडीज़ को बहुत ज़्यादा लगी है, बहुत ज़्यादा। आप ही की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? हाँ मेरे से हुआ है, मैं खुद चला रहा था, गाड़ी मेरे नाम की है। मैं आ रहा था सामने से और इसने मतलब कि मेरे आमने सामने टक्कर मार दी। गलती किसकी थी? क्योंकि हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे थे कि गाड़ी ज़्यादा स्पीड में आ रही थी। स्पीड पे थी नहीं, मैं चला नहीं सकता स्पीड पे, स्पीड पे मैं चला नहीं सकता गाड़ी। ई रिक्शा की गलती थी? हाँ ई रिक्शा वाला था, वो स्पीड पे था, वो आगे आके टकरा दिया मेरे को। आपको चोट तो नहीं लगी? मेरे को लगी है थोड़ी बहुत। ठीक हो वैसे? हाँ वैसे ठीक है। तो कोई कंप्लेंट वगैरह दर्ज करवाई गई है आपके खिलाफ? MLC करवा लिया। रिक्शा वाले की तरफ से कोई कंप्लेंट करवाई गई है आपकी तरफ, आपके लिए? नहीं नहीं, रिक्शा वाले ने भी कराई है अपनी कंप्लेंट, हमने भी अपनी कराई है। दोनों ने कराई, अब देखो क्या होता है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी गलती नहीं थी इस मामले में? वो तो हर कोई कहेगा कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं थी, मैं अपना अपनी साइड पे था नीचे और ये आ रहा था सामने से ठोक दी। मेरी स्पीड गाड़ी की थी 30 किलोमीटर तक थी। 30 की स्पीड? रिक्शा कितनी स्पीड से था कुछ अंदाज़ा? काफ़ी स्पीड से था, वो स्पीड पर था।
देखिए ये वो ई रिक्शा है जिसकी और वैगनार कार की टक्कर हुई है। आप देख सकते हैं ई रिक्शा की हालत, देखिए यहाँ पर क्या हालत है। पूरा ये जो शीशा था ये टूट चुका है यहाँ पर, और फिलहाल जो हालत है वो आपके सामने। इससे ज़्यादा हैरानी आपको तब होगी जब मैं आपको उस गाड़ी की तस्वीरें दिखाऊंगी, वो शायद आपको और भी ज़्यादा हैरान करेंगे। उस तरफ एक बार आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर वो वैगनार कार खड़ी है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और उसकी जो हालत है वो शायद आपको और ज़्यादा हैरान करेगी। गाड़ी का जो आगे का पूरा हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नज़र आ रहा है। मैं आपको एक बार लेकर चलती हूँ उस तरफ और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए उस तरफ के किस तरह से जो गाड़ी है पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। देखिए ये वही गाड़ी बताई जा रही है जिसकी ई रिक्शा में टक्कर हो जाती है। आप देखिए गाड़ी की खुद की हालत कितनी ज्यादा खराब है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो आगे का हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त आपको नजर आएगा। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो एक्सीडेंट रहा होगा कितना ज़्यादा भीषण रहा होगा। गाड़ी की हालत देखिए आप क्या हो चुकी है। ई रिक्शा पूरी तरह से वहाँ पर क्षतिग्रस्त नज़र आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो एक्सीडेंट रहा होगा कितना ज़्यादा भीषण रहा होगा। आपको बता दें कि उस रिक्शा पर दो लोग सवार थे, एक ड्राइवर जो कि रिक्शा को चला रहे थे और दूसरी एक सवारी, जिन दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। रिक्शा ड्राइवर का इलाज दीनदयाल अस्पताल में चल रहा है, वहीं पर सवारी का जो इलाज है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। अब आप देखिए जो मामला है वो पुलिस तक जा ही चुका होगा और आगे इसमें क्या अपडेट आएगा वो देखना यहाँ पर बाकी है कि आखिर गलती किसकी थी, क्योंकि यहाँ आसपास मेरे ख्याल से सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे जिनकी फुटेजेस को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकेगा, जिसके बाद ये पता लग पाएगा कि आखिर गलती किसकी थी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।